Next, Junior, please. I really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है. बेबे, ये मेरी फ्रेंड मनप्रीत, ये नानी. नानी, जय माता दी. मैं तो इसे देखते ही समझ गई थी तेरी सहेली है. हाँ बेबे, एक्चुअली हम मेरे पिछली कंपनी के थ्रू दोस्त बने थे. अरे अनामिका जी, मनप्रीत, ये अनामिका जी हमारी कंपनी की मॉडल. हाय. अच्छा चल, मैं तुझे जसलीन भाभी से मिलवाती हूँ. आजा. चलो अनामिका, तो पुत्र एक बात बता, तू अकेली अकेली इतनी दूर क्यों खड़ी थी? देख पुत्र, सबके साथ रहना चाहिए. हाँ, वो मेरा बहुत सिर दुख रहा है. ओ पुत्र, कोई बात नहीं, देख माता का जागरण रखा हुआ है, है? देखना, माता रानी सबके छोटे बड़े सब दुख दूर कर देगी. है अग्रवाल साहब, आप यहाँ हैं? अरे बड़ा अच्छा लगा, मैं चल रहा हूँ. माता का जगराता आया, आशीर्वाद मिल गया. अब मैं चाहूंगा आप अपने समस्त परिवार के साथ 26 जुलाई को बजाते रहो, देखने चलना. ऑल द वेरी बेस्ट. मंत्री, ये जसलीन भाभी. जसलीन भाभी, ये मेरी फ्रेंड मंत्री. हाय भाभी. हेलो मंत्री. अच्छा, आप लोग ये मिस्टर सबरवाल को कैसे जानते हैं? वो पापा के क्लाइंट है. अब तुम इन्हें जानती हो क्या? मिस्टर सबरवाल बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़ी हस्ती है इनकी, पर इस हस्ती के पीछे छुपा सच बहुत कम लोग जानते हैं. मतलब? मतलब अगर इनके बारे में तुम कुछ जानना चाहती हो तो इंतजार करना पड़ेगा 26 जुलाई का, जब फिल्म बजाते रहो रिलीज होगी. ओह, तो ये बात है. मैं जरूर देखूंगी बजाते रहो. अच्छा सुन छवि, अब मुझे चलना पड़ेगा, मुझे मिस्टर सबरवाल के बारे में अपने बाकी दोस्तों को बताना है. जय माता दी. जय माता दी. और याद रखना 26 जुलाई. हाँ, मैं बलराज जी के साथ जरूर जाऊंगी. बाय बाय. अनामिका, लो माता रानी के फूल. फूल माता रानी के. बेटा, अपने पत्नी के साथ आरती लीजिए. जब आप दोनों एक साथ मिलकर माता रानी की सेवा करेंगे तो माता रानी भी आपके हर दुख दरिद्र को दूर कर देगी. आइए बुलाइए. आ जाओ बेटा. अनामिका, कहाँ जा रही है? तूने आरती भी नहीं ली? चल कोई हल नहीं, आजा मत्था टेक. ओए तू ना बहुत ज्यादा शर्माती है. आजा आ ना पुत्र.
जकारा शेरा वालिदा। बोलो चाचा दरबार की जय। चल बिना मत्था टेके जा रही, चल मत्था टेक ले। ये गंगा जल सारे घर में छिड़क दीजिए, सब पावन हो जाएगा। जरूर लीजिए। जय माता दी। बंद कर देती हूँ। जय माता दी। जय माता, जय माता दी, जय माता दी। तो वही औरत है जो जीत के साथ थी। यहां क्या कर रही है?
कितनी गिरी हुई औरत हो तुम, जरा भी शर्म नहीं। इस घर तक चली आई और देखो किसी तरह का कोई डर चेहरे पर नहीं है। एक मिनट, अब और तमाशा नहीं करने दूंगा यहां, बहुत हुआ। चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो मेरे साथ। छोड़िए मुझे। मैंने कहा चलो, छोड़ो नहीं। तुम्हें इस घर में किसी के सामने नजर आने की जरूरत नहीं है, निकलो यहां से। ये मेरी बहन का घर है, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले? मैं इस घर की मेहमान हूँ। मेरे घर में आग लगी थी और इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा। ओहो, तो आप हैं वो मेहमान। उनसे मेरी अब तक मुलाकात नहीं हो पाई, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके घर में आग लग गई और आप यहाँ आ गए मेरी बहन के घर में आग लगाने के लिए। वो है जिसने आपको इस घर में जगह दी, इस घर में आसरा दिया, आपके ऊपर विश्वास किया, आपके साथ दोस्ती की। अरे आप है जो उससे उसका पति छीनने की कोशिश कर रही हैं। बड़े बेशर्म हैं आप। एक मिनट ऑफिसर, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर मैं इस घर में आज हूँ तो कोई और भी जाता है मैं इस घर में रहूं। और आप जैसे लोग सिर्फ मुझे गलत ठहरा सकते, तो ये लेक्चर किसी और को दीजिए। एक मिनट, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, इस घर में अगर दोबारा नजर आई तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कौन होते हो मुझे मेरा अच्छा बुरा बताने वाले? ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हो। अगर ज्यादा एटीट्यूड दिखाया तो क्या क्या कर लो, जेल में डाल दोगे? तुम एक काम करो, जो तुम्हें करना है तुम वो करो और जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। आप इससे बातें कर रहे थे अकेले? अकेले? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपको सामने खड़ा हुआ इंसान दिखाई नहीं दे रहा था? कौन है आप? या फिर पंडित के भेष में दारू पीकर घूम रहे हैं? सामने से जो लड़की गई आपको दिखाई नहीं दी? कौन थी वो? वो अनामिका थी। आप ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं एक यक्षी पंडित हूँ। यदि कोई बुरी आत्मा मेरे सामने आती है तो वो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बुरी आत्मा है? ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? बेटा मुझे तुम्हारे क्रोध और हैरानी पर जरा भी दुख नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को ये मानने में कठिनाई होती है कि क्या ऐसे भी पंडित हैं जिनके सामने बुरी आत्माएं नहीं आती, और यदि आती भी हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। मैं भी एक ऐसा ही यक्षी पंडित हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ कि वो औरत एक बुरी आत्मा है, सामान्य मनुष्य नहीं। और यही बात बताने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। हमें अभी जाकर घर वालों को सब सच। एक मिनट, अब अंदर जाकर ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अंदर जागरण चल रहा है और आपके ये सब बताने से लोग डर सकते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? यही सच है और यही सच बताने के लिए आज हम यहाँ आए। पंडित जी, ये मेरी बहन का घर है और आपसे कहीं ज्यादा मुझे अपने बहन के घर की चिंता। और वैसे भी आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब कैसे मान लूंगा? तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे?
ये लड़की इस घर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण चाहिए? हाँ ठीक, जाओ और नजर रखो उस पर, चाहे अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पास अधिक वक्त नहीं है। ठीक है पंडित जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जाता हूं, इसका पीछा करता हूं। अगर आपकी बात सच निकली तो मैं आपके पास आऊंगा। ठीक, जाओ, हमें विश्वास है कि तुम लौट कर हमारे ही पास आओगे। मुझे पता है कि किसे देख रहे हैं आप। ये तो मैं जानता था कि आप गिर गए, पर इतना गिर जाएंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना नहीं, बताना चाहता हूं। अनामिका, देख भी चुका हूं उसे और पहचान भी चुका हूं। उसे भी समझाने की कोशिश की है मैंने, और आपको भी हद कर दी है। आप उसे यहां तक ले आए? बेचारे घर वाले ये समझ रहे हैं कि वो इस घर की मेहमान है, और आप उसे यहां रखकर खुद अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, इतना गिर गया। यही सब करने के लिए आपने छवि से शादी की थी? अगर उसे धोखा ही देना था तो आपने शादी क्यों की? आज भी हमेशा की तरह आप चुप ही रहेंगे, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझको करना चाहिए। बस इंतजार करो मेरे वापस लौटने का। क्या बात कर रहे थे आपसे जो इतने गुस्से में थे? अब मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझको करना चाहिए। बस इंतजार करो मेरे वापस लौटने का। छवि, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। जी, भैया से आपकी क्या बात हुई? छवि, मैंने कहा ना मुझे थोड़ी देर। जी, आप हमेशा मेरी बात टालने की क्यों कोशिश करते हैं? जीती वही बात है ना जिस पर भैया और आपकी पिछली बार बात हुई थी। आपकी जिंदगी में कोई और भी है जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शादी में मुझे जो आपने वचन दिए थे उसे आप इस तरह निभा रहे हैं? मैं आप पर हर बात पर विश्वास करती हूँ, पर आप मेरा विश्वास क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी? मुझे नहीं पता भैया और आपकी क्या बात हुई, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि आपकी कुछ गलती है। इसकी वजह से भाई आपसे बहुत नाराज है, और आपके पास आपकी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भैया की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था, आपकी बातों पर नहीं।
इससे पहले कि हमारा असली रूप पूरी तरह सामने आ जाए हमें पातालिका के पास पहुंचना होगा। जाओ और नजर रखो उस पर, सच्चाई अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास अधिक वक्त नहीं है। नेक्स्ट जूनियर प्लीज। Really like your confidence. मुझे लगता है बहुत कमाल होने वाला है।